नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अरहुमसा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव प्रशांशु पांडे और हमारी जो बातचीत हो रही थी वो हो रही थी मिशन 2023 के बारे में। चैप्टर वन को जो है हम लोगों ने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के तहत चालू किया था। यहाँ अभिप्सा की पूरी टीम आपको हर एक सब्जेक्ट में आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए काम कर रही है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स मिलेंगे और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ में डिस्कस कर रहे होंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके 360 डिग्री। तो चलिए आइए देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चैप्टर था। हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि चार्ज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद में कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स कैसे लगता है, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई के बारे में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानने के बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ी सी बात की थी। आज अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर दो आवेशों Q और यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल Q, इन दोनों के बीच में जो है बल निकालने के लिए न्यूटन का यहाँ कूलम का नियम उपयोग किया और यहाँ पर हमको के क्यू क्यू बटा आर का वर्ग इस तरीके से विद्युत क्षेत्र दिखाई देता है। यदि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत बल की बजाय विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो विद्युत क्षेत्र होता है बल बटा आवेश और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, E बराबर के क्यू बटा आर का वर्ग, क्योंकि हम लोगों ने इस जगह पर क्यू से भाग दिया है तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी और हमको ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब जो है हमारी किताबों में हमें न सिर्फ ये बल्कि विशेष परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है। हमें जो है एक एक आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रश्न जो है यहाँ पर समझाया गया है, या हम एक आवेशित छल्ले से जो है उसके केंद्र पे या फिर कुछ दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास किताब में कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम एक मिशन 2023 के को पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने ये तैयारी कर रखी है कि हम किस प्रकार से परीक्षा के ऊपर जो है ध्यान दें, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रही है। लेकिन यदि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है या आप इन चीजों में भी इंटरेस्टेड हैं, ये चीजें भी सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारे विषय, उनके नोट्स, उनके माइंड मैप और ये सारी जानकारियां पूरे डिटेल में दिखाई देंगी। ना सिर्फ फिजिक्स बल्कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आप क्लास 12th में जो है दिलाने वाले हैं उन सारे विषयों पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो आपसे अगर आप जो है चाहते हैं कि आप डिटेल में ये सारी चीजें सीखें तो आप हमारे एप्लीकेशन में लॉग इन जरूर करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि समान परिमाण किंतु विपरीत विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से किसी निश्चित एवं बहुत ही छोटी दूरी पर स्थित हो तो उन्हें हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से पूछते हैं, समान परिमाण होना चाहिए, ये एक धनात्मक है, ये भी एक ही धनात्मक है, तो इनका परिमाण एक जैसा है, लेकिन इनका चिन्ह क्या है या इनकी प्रवृत्ति कैसी है, अलग अलग है। तो समान किंतु विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी पर स्थित हो तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण देखो, HCl यहाँ क्या है, H धनात्मक है, Cl ऋणात्मक है, NaCl, Na धनात्मक है, Cl ऋणात्मक है। तो इस प्रकार के अगर हम उदाहरण दिखने चाहें तो हमारी प्रकृति विद्युत द्विध्रुवों से भरी पड़ी है। अब ये विद्युत द्विध्रुव है तो इन पर ध्यान देने वाली चीजें क्या है, हम मान लेते हैं कि इनमें से दोनों आवेश धनात्मक Q और ऋणात्मक Q है, तो एक आवेश का परिमाण हम लोगों ने लिया Q, उसके बाद में हम मानते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। हम ये भी मान सकते थे कि इनके बीच की दूरी 2L की बजाय सिर्फ L है, लेकिन क्योंकि हमें 2L मानने से सुविधा होगी इसलिए हम लोगों ने इनके बीच की दूरी क्या मानी है, 2L मानी हुई है। तो फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा 2QL, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये जो है हमसे प्रश्न कैसा पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की क्वांटिटी है, किस प्रकार की राशि है, हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और यहाँ इस सदिश राशि में इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का की इकाई क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर क्यू जो है आवेश है और आवेश को हम कूलम से नापते हैं, और ये 2L जो है उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इसे हम मीटर से नापते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या हो जाएगी, कूलम्ब मीटर। ठीक है, देखो सेंटीमीटर मत मान लेना, ये कूलम्ब मीटर है क्योंकि आवेश है, आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कोई तीव्रता हो सकती है। हमने कहा बिल्कुल हो सकती है भाई, कैसे कैसे होगी, तो भाई यहाँ पर जो है अक्षीय स्थिति इसको कहते हैं, जब जो है हम इस स्थिति में जो है मतलब दोनों के दोनों आवेशों के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम अक्ष मान लेते हैं, और इस अक्ष के किसी भी तरफ जो है यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसे अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके अलावा निरक्षीय स्थिति पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इन दोनों के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का समद्विभाजक अगर हम बनाएंगे तो इसे हम जो है निरक्षीय स्थिति मानेंगे, और यहाँ पर भी जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें जो है इसके डेरिवेशंस को देखना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को धनात्मक क्यू आवेश और यहाँ पर ऋणात्मक क्यू आवेश और यहाँ पर धनात्मक क्यू आवेश हो गया, और इनको दोनों को मिलाने वाली एक रेखा हम लोगों ने खींची, और हम मान लेते हैं कि इस रेखा से अब जो है किसी बिंदु पी पर जो है हमारा प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक चीज जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि हम हमेशा इन दोनों आवेशों का जो केंद्र बिंदु है यहीं से सारी दूरियां नापते हैं, मतलब अगर हम इस बिंदु का नाम ओ रख दें तो ओ से लेके पी तक की जो दूरी है इसे हम आर बोल देंगे। ठीक है, अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अब बोलिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि एक ही आवेश पर दो या अधिक चार्ज, दो या दो से अधिक आवेश मिलकर बल लगा रहे हो तो दो स्थितियां, पहली किसी भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है, और दूसरा कि जिस आवेश पर लगने वाले बल की हम गणना कर रहे हैं उस पर सभी अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल का हम यदि सदिश योगफल निकालें तो हमें यहाँ पर कुल बल का मान पता चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम E1 निकालेंगे जो कि धनात्मक आवेश और पी के मध्य होगा, और हम E2 निकालेंगे जो कि ऋणात्मक आवेश और पी के मध्य होगा। अब यहाँ पर जो है हमको ये दूरी निकालना है, ये वाली हमारी दूरी कितनी है, तो आप याद रखिए ये पूरी दूरी R है लेकिन हम लोगों ने इसे 2L माना हुआ था। 2L मानने पर हमको पता चलेगा कि ये वाली दूरी L है और इसी तरीके से ये वाली दूरी भी L है, ये सिर्फ हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए माना हुआ है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर A और इसका नाम B रख लेते हैं, तो बिंदु B से P तक की दूरी क्या होगी, BP जो है दूरी हो जाएगी R ऋण L। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 का मान हो जाएगा E1 बराबर के क्यू बटा R धन R ऋण L और इसका वर्ग। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे तो हमको ये वाली दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारी जो दूरी आपको नजर आ रही है ये है कितनी, यहां तक की दूरी तो R थी और उसमें हम L और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R धन L, और इस तरीके से यहां पर E2 का मान हो जाएगा ऋण के क्यू बटा R धन L का वर्ग। अब जो है जब हमको दोनों जो है जन का स्थितियां समझ में आ गई है तो हम कुछ नहीं करेंगे,
हम कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर बिंदु P पर निकालेंगे, तो E एट P बराबर E1 धन E2, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम मान डालेंगे तो हमको मिलेगा के क्यू बटा आर ऋण एल का वर्ग, धन नहीं यहां पर ऋण आ जाएगा, ऋण के क्यू बटा आर धन एल पूरे का वर्ग। अब यहां पर जो है जो चीजें हमको उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकलती हैं हम वो निकाल देंगे, तो हमको के ऋण यानी के क्यू जो है मिल जाएगा कॉमन, और यहां पर हो जाएगा एक एक बटा आर ऋण एल का वर्ग ऋण एक बटा आर धन एल का वर्ग। अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं, हम देखेंगे कि यहां से अगर हम जो है इनके दोनों के दोनों हर इन बिंदुओं में अलग अलग हैं और इस कारण हम इनको जोड़ नहीं सकते सीधा सीधा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम गुणा कर देंगे आर ऋण एल के वर्ग का, तो हमको भाग भी देना पड़ेगा आर ऋण एल का वर्ग, और इसी तरीके से यहां पर हम आर धन एल के वर्ग का गुणा कर देंगे तो बटे में भी हमको आर धन एल का वर्ग मिल जाएगा। यहां से हम देखते हैं हमको मिलेगा के क्यू और यहां हो जाएगा आर धन एल पूरे का वर्ग ऋण आर ऋण एल पूरे का वर्ग, और बटे में हमारे पास हो जाएगा आर धन एल का वर्ग और आर ऋण एल का वर्ग। अब हम अगर इसको हल करना चाहें तो हमको क्या दिखाई देता है, हमको यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, आर धन एल और आर ऋण एल हमको पता है, हमको क्या पता है, ए ऋण बी गुणा ए धन बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, इस तरीके से हमको यहां पर मिलेगा बटे में देखो आर का वर्ग ऋण एल का वर्ग और पूरे का वर्ग, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं तो आर धन एल पूरे का वर्ग बराबर क्या होगा, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो ए बी, और ए ऋण बी का वर्ग होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण दो ए बी। अब इस तरीके से अगर हम जोड़े तो हमको मिलेगा यहां पर आर का वर्ग धन एल का वर्ग धन दो आर एल ऋण आर का वर्ग धन एल का वर्ग ऋण दो आर एल। अब जो है अगर हम यहां कोष्ठक हटा दें तो हमको क्या क्या चीजें कटती हुई नजर आ रही हैं, हमको जो है कटने वाली चीजें मिलेंगी आर का वर्ग और यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा आर का वर्ग, एल का वर्ग और यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा एल का वर्ग, और हमको जो है अंत में उत्तर क्या मिलेगा, हमको उत्तर मिलेगा दो आर एल, और देखिए ऋण और ये ऋण मिलकर धन हो जाएगा तो दो धन दो हो जाएगा चार, तो हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं चार आर एल गुणा के क्यू और बटा में हमको मिलता है आर का वर्ग ऋण एल का वर्ग और पूरे का वर्ग। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये आर क्या है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं, यहां पर ये आर क्या है, आर जो है वो मध्य बिंदु से उस बिंदु पर जो है जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसकी दूरी है आर, लेकिन दोनों द्विध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो दो एल है, मतलब उनके बीच की दूरी का आधा जो है एल है। अब अगर हम बात करें एचसीएल की तो ये जो है एक एचसीएल की ये एक अणु है और ये बहुत ही छोटा होगा, और इस तरीके से अगर हम सोचें तो यहां पर एल का मान इतना छोटा होगा कि वह किसी दूसरे बिंदु P पर जो है जहां से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता HCl के लिए निकाल रहे हैं उसकी तुलना में नगण्य होगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि L is very very smaller than R, L जो है R से बहुत ही ज्यादा छोटा है और इसलिए L का वर्ग और भी छोटी संख्या हो जाएगी, और इसको जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, शून्य के बराबर मान सकते हैं यानी कि इग्नोर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमको यहां पर क्या दिखा, हमको यहां पर मिला कि Q R L बटा R की घात चार, क्योंकि L के वर्ग को तो हम लोगों ने शून्य मान लिया। अब ये R और ये कटेगा तो हमको मिलेगा
के क्यू एल फोर के क्यू एल मटा आर की घात तीन। लेकिन अब हमको समझने वाली बात है और वो क्या है, देखिए ध्यान से, P का मान हमें पता है, P बराबर होता है 2QL और यहां हम 4 को 2 गुणा 2QL और यहां रख दें K और बटा R की घात 3, तो ये हो जाएगा K P K 2P बटा R क्यूब। और इस तरीके से जो है हमको क्या मिल जाएगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। यदि आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके पास में आपकी तैयारी को ट्रैक करने और दोस्तों के साथ में कंपटीशन बनाए रखने के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।